आपको भी एक ऐसे करियर ऑप्शन की तलाश है जिसमें आपको लाइफ सिक्योरिटी तो मिलती है, साथ ही में मिलता है एक सोशल स्टेटस और ऑनर, रिस्पेक्ट और इंडियन आर्म फोर्सेस की यूनिफॉर्म पहनने का मौका। यस एस्पिरेंट्स, आप सभी गर्ल एस्पिरेंट्स के लिए है ये अपॉर्चुनिटी जिसमें आफ्टर 12th आप ज्वाइन कर सकते हैं एज एन MNS ऑफिसर इंडियन आर्मी को। एस्पिरेंट्स, अब कुछ क्राइटेरिया चेंज हो गए हैं विद द इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन और अब नीट के एग्जाम को कंपलसरी कर दिया गया है सो डैट कि एक और फिल्टर हो सके और जो बेस्ट कैंडिडेट्स हैं जो रियली चाहते हैं इंडियन आर्मी को सर्व करना, जो इस देश को सर्व करना चाहते हैं, वही एस्पिरेंट्स आगे पहुंचे। सो एस्पिरेंट्स, अब आप सोच रहे होंगे कि MNS और नीट दोनों की तैयारी एक साथ कैसे पॉसिबल है। यस एस्पिरेंट्स, इट्स पॉसिबल विद द गाइडेंस एंड एक्सपर्ट गाइडेंस ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट। अब बात आती है कि चलिए मैम, यहां तक तो क्लियर हो गया कि MNS और नीट की तैयारी साथ साथ होती है, हो सकती है, पॉसिबल है। बट अब बात आती है चयन करने की ऐसे कोचिंग संस्थान की जो आपको गारंटीड सिलेक्शन दिलाए और आपको ऐसी एक्सपर्ट गाइडेंस दे कि आप सिलेक्शन कंफर्म हो जाए। तो अब बात आती है कैसे चूज करेंगे, तो उसको चूज करने के लिए आपको उसके रिजल्ट्स को देखना बहुत जरूरी है और मैं यूं कहूं कि रिजल्ट्स की ऑथेंटिसिटी को देखना बहुत जरूरी है। आज के इस दौर में जहां पर फेक कोचिंग्स का एक बड़ा मार्केट, बड़ा स्कैम चल रहा है, उस बीच सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी एक ऐसा संस्थान उभर के आया है जिसने हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शंस दिए हैं MNS एग्जाम में और भी बाकी सारे डिफेंस एग्जाम्स में। और हम सिर्फ बोलते नहीं हैं, साबित करके दिखाते हैं, क्योंकि हम रिजल्ट्स को ऑथेंटिसिटी के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो एस्पिरेंट्स, आज आप इस वीडियो में एंड तक बने रहना क्योंकि हम आपको दिखाने वाले हैं MNS प्लस नीट बैच की पूरे दिन की रूटीन, कैसे क्लासेस होती हैं, कैसे लेक्चर्स होते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस कैसे होते हैं, मॉक टेस्ट कैसे होते हैं। साथ ही साथ एंड में आपको उन बच्चों के बारे में भी सुनने को मिलेगा, वो बच्चे आपको खुद बताएंगे कि उनका कैसे एक्सपीरियंस रहा सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कैसा रहता है उनका डेली रूटीन। Jai Hind everyone. Jai Hind. Okay, all of you be seated. देखा आपने कैसा रहता है डेली रूटीन सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में हमारे MNS प्लस नीट एस्पिरेंट्स का। अब चलिए कुछ एस्पिरेंट से बात कर ली जाए ताकि जान सके क्या ये रियली में उनको बेनिफिट दे रहा है या नहीं। तो चलिए बात करते हैं उन MNS एस्पिरेंट्स से। सो एस्पिरेंट, क्या नाम है आपका? मैं माई सेल्फ दिशा। ओके, कहाँ से बिलोंग करते हो आप? लखनऊ। ओके, आपका नाम क्या है? मैं माई सेल्फ अदिति एंड आई एम फ्रॉम आगरा उत्तर प्रदेश। आप अपना नाम बताइए। मैम, आई एम शांतिका दास एंड आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल कृष्णनगर। आप भी अपना नाम बताइए। माय नेम इज स्वाति सक्सेना, आई एम फ्रॉम लखनऊ। आप लखनऊ से हो। तो स्वाति, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप लखनऊ से हो, मैं भी लखनऊ से हूँ, और जब मैं अपने घर से बाहर निकलती हूँ तो मैं देखती हूँ इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो नीट कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, और MNS से पहले तो नीट का एग्जाम होता है, तो आपने फिर सेंचुरियन ही क्यों चूज किया? मैंने ऑनलाइन काफ़ी सर्च किया, उसके बाद देखा सेंचुरियन में ज़्यादा सिलेक्शंस वगैरह हो रहे हैं, तो
MNS प्लस नीट है, उसमें दोनों ही हो रहे हैं, फिर बाद में बार बार चेंज करना पड़ता, उसके लिए मैंने सोचा कि सेंचुरियन ही बेस्ट है। तो मतलब आपने सिलेक्शंस देखे कि हाँ ऑनलाइन सिलेक्शंस आपको ज्यादा मिले। तो अदिति अब आपसे जानना चाहूंगी आगरा से यहाँ तक का सफर, और अब आपने कब डिसाइड किया कि मुझे MNS ही ज्वाइन करना है? मैम एक्चुअली जब मैं 11th क्लास में थी तो मैंने फर्स्ट टाइम MNS के बारे में अपने डैडी से सुना था, उन्होंने मुझे बताया था इस बारे में कि एक MNS एक ऐसी जॉब है उसमें लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिलती है। देन आई डिसाइडेड कि मैं MNS की प्रिपरेशन करूँगी आफ्टर 12th। अच्छा, तो आपके पापा डिफेंस में हैं? नहीं मैम, पापा डिफेंस में नहीं है, पापा टीचर हैं। एंड देन उन्हें कहीं से सुनने को मिला उनके फ्रेंड से, तो उन्होंने मुझे बताया कि बहुत अच्छी जॉब है, इसमें तुम्हें जाना चाहिए। देन आई डिसाइडेड तो मुझे MNS में जाना। सिविलियन बैकग्राउंड है, डिफेंस बैकग्राउंड भी नहीं है, और डिसाइड कर लिया कि नहीं डिफेंस ज्वाइन करना है। जी जी जी। तो पापा ने कभी ये नहीं कहा कि नहीं नहीं टीचर वाली जॉब ज्यादा बेटर रहेगी, आराम से घर पे रहोगे, घर के पास रहोगे? नहीं मैम, एक्चुअली उनको उनका एक सपना टाइप है कि उनको मेरे स्टार देखना है, मेरे मम्मा डैडी को दोनों को, उनका उनका एक ड्रीम है लाइक मुझे एक आर्मी में देखना। ओके, सो आपसे अदिति ये पूछना चाहूंगी कितना टाइम हो गया सेंचुरियन के साथ? मैम मेरे को अभी लगभग 3 months हो चुके हैं कंप्लीट। तो कैसा एक्सपीरियंस, कैसा रहा 3 months का? काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया होगा अभी तो। यस मैम, एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, सीरियसली एक्सपेक्टेशन से मेरा बहुत अच्छा है। लाइक स्टार्टिंग से जब मैं अपने आगरा में थी, देन मैंने यूट्यूब से फर्स्टली सेंचुरियन को विजिट किया था, एंड मैंने गूगल पे भी विजिट किया था, तो उसमें सबसे जो हाईएस्ट सिलेक्शन थे वो MNS के सेंचुरियन से ही थे। देन मैंने डैडी को बताया कि मुझे सेंचुरियन में जाना है, तो एक्सपेक्टेशन से मेरी बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर डेली वॉक टेस्ट होना, वो प्रिपरेशन अच्छी होना, और टीचर्स का इंटरेक्शन करना, आपको नोटिस करना, आपकी हर एक चीज़ को, वो आपकी गलतियों को सुधारते हैं, एक पॉइंट आउट, मतलब एक 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 पर्सन को उठा के वो पूछते हैं, मतलब वो मतलब समझाते हैं। बहुत अच्छा रिव्यू, और मुझे उम्मीद है कि मैं अगर यहाँ से करूँगी तो डेफिनेटली मेरा सिलेक्शन होगा। ओके अदिति, वी होप कि आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और ज़रूर से ज़रूर MNS ऑफिसर बने जी, क्योंकि वो हमारे लिए भी काफ़ी प्राउड मोमेंट होगा जब अदिति की फोटो यहाँ हॉल ऑफ फेम में लगी होगी। yes, बहुत अच्छा लगेगा उस जी। ओके, थैंक यू सो मच। ओके सो दिशा, आप भी लखनऊ से हो और स्वाति ने बताया वो भी लखनऊ से है, तो मेरी आप दोनों लखनऊवासी हैं, तो आपसे कुछ मैं जानना चाहूंगी कि कैसे एक्सपीरियंस रहा अभी सेंचुरियन के साथ। साथ ही में जब आप एनरोलमेंट के लिए आए होंगे तो आपको एक प्रॉपर शेड्यूलिंग बताई गई होगी, तो क्या उसी शेड्यूल से आपकी क्लासेस रन हो रही है या नहीं? यस मैम, उसी शेड्यूल से रन हो रही है जैसा बताया गया था। और जैसा कि मुझे बताया गया कि आपको अभी 2 ही दिन हुए हैं आके, तो कैसे एडजस्ट हुए क्लास में? कोई ऐसा तो नहीं था क्लास में कोई एडजस्टमेंट? नो मैम, टीचर्स आर वेल एक्सपीरियंस्ड हियर एंड फ्रेंड्स आर आल्सो गुड, दे सपोर्ट्स मी एंड टेल्स मी एवरीथिंग व्हाट हैव टीच बिफोर। तो मतलब कोऑर्डिनेशन अच्छा, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था दोस्तों के साथ। क्लास में कोऑर्डिनेशन मैम, उन्होंने बताया यहाँ तक हो गया, ऐसे आपको आगे प्रिपरेशन करना है, टेस्ट सीरीज के बारे में भी बताया गया था। तो आपको यहाँ से बुक्स वगैरह मिली होंगी MNS की गाइड? यस मैम, MNS गाइड। तो उस MNS गाइड के बारे में कुछ बताइए हमारे एस्पिरेंट्स को। MNS गाइड इज़ वेरी गुड, उसमें CBT, PAT, PI हर चीज़ का डिफाइन किया गया है कि कैसे हमें इंटरव्यू देना है, कैसे उसके लिए हमें प्रैक्टिस करना है, और नीट का भी दिया हुआ है उसमें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो क्वेश्चंस आर वेरी गुड देयर। तो अगर मैं ये कहूँ कि वो एक कंप्लीट बुक है जिससे आप MNS और नीट दोनों की तैयारी कर सकते हो, तो गलत नहीं होगा, राइट? यस मैम। ओके, सो एस्पिरेंट्स देखा आपने कि दिशा ने खुद बताया कि हाँ उसको भी MNS की गाइड मिली हुई है, जो आप भी परचेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो अगर आप भी घर बैठ कर ही तैयारी करना चाहते हो तो वो बुक आपके लिए कंप्लीट गाइड का काम करने वाली है, आपको नीट के साथ साथ MNS की भी पूरी प्रिपरेशन उससे हो जाएगी। yes. तो दिशा, अभी आपसे एक बात और जानना चाहूंगी क्योंकि आप भी लखनऊ के हो, तो ये बताओ कि अभी यहाँ का जो माहौल है सेंचुरियन का, वो कहीं ना कहीं डिफरेंट है सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, क्योंकि ये डिफेंस इंस्टीट्यूट है और हम चाहते हैं कि वो डिसिप्लिन अभी से मेंटेन हो जाए। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि अभी तो नीट की पहले तैयारी करनी है फिर MNS की क्यों तैयारी कर रही हूँ, मैं घर बैठ के भी तैयारी कर सकती थी, ऑनलाइन भी ले सकती थी, तो ऑफलाइन ही क्यों चूज किया? मैम बिकॉज बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको CBT PAT एग्जाम एंड इंटरव्यू के बारे में नहीं पता होता है, तो फिर वो घर बैठ के कैसे तैयारी कर सकते, इसीलिए फिर उनको सेंचुरियन में बेस्ट ऑफर मिलता है, उसमें सब कुछ बताते हैं वो लोग कैसे किसके लिए प्रिपरेशन करना होता है, इसी वजह से। तो मतलब आपको ये लगता है कि जब ऑफलाइन इंटरेक्शन होता है वो ज्यादा फ्रूटफुल होता है, ज्यादा अच्छा होता है ऑनलाइन के आप घर पे बैठे हो। यस मैम। ओके, थैंक यू सो मच।
ओके शांतिका, अब आपसे जानना चाहूंगी, काफी चर्चा हो गई है ऑलमोस्ट, बट आपसे भी कुछ जानना चाहती हूँ कि वेस्ट बंगाल से यहाँ तक का सफर पेरेंट्स कैसे कन्विंस हुए कि भाई इतनी दूर जाना है, लखनऊ जाके ही मुझे पढ़ाई करनी है, ऐसे कैसे कन्विंस कैसे किया पेरेंट्स को? एक्चुअली प्लान पुणे में पापा का ही था एंड उन्होंने मुझे बताया 11th क्लास में कि ऐसा MNS है एंड ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मुझे पहले तो मेडिकल लाइन को लेके पढ़ना था, लेकिन उसके बाद जैसे मुझे पता चला कि मेडिकल प्लस आर्मी, मेरे ग्रैंडपा थे आर्मी बैकग्राउंड से, सो मुझे लगा कि ठीक है मैं उनसे भी थोड़ा बहुत गाइडेंस ले सकती हूँ, तो मैंने मेडिकल प्लस, जब मुझे इतनी अच्छी लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिलेगी यहाँ पे, इसलिए मैंने पापा से बात की, उन्होंने भी कहा ये बहुत अच्छा ऑप्शन है तुम्हारे लिए, एंड तो पापा ने ही, उन्होंने खुद रिसर्च किया कि कहा अच्छा, सबसे अच्छा बेस्ट मुझे रहने को, प्लस मुझे अच्छी गाइडेंस मिल सकती है, तो उन्होंने सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी के बारे में उन्होंने बताया एंड लाइक उन्होंने दो जगह देहरादून एंड लखनऊ दोनों का ही, पहले तो देहरादून डिसाइड हुआ था, लेकिन उसके बाद हमारे लखनऊ में हॉस्टल वगैरह का हमने वीडियो देखा था, तो वहाँ पे पापा ने देखा जो हमारा अल्फा 3 वाला हॉस्टल है जहाँ पे मैं अभी करेंटली रह रही हूँ, वो उसका मैम एंड वहाँ पे सर सबका बहुत सुंदर जो एम्बियंस एंड एटमोसफेयर है सब बच्चों का साथ में जो रहते, वो बहुत सूटेबल लगा मेरे लिए कि एक होमली प्रेजेंस है वहाँ पे, तो इसलिए पापा ने डिसाइड किया कि लखनऊ में ही हम फिर सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी इनरोल कर दिया उन्होंने एंड हाँ बस ऐसे ही मान गए पापा। ओके मतलब ज्यादा कन्विंस नहीं करना पड़ा क्योंकि पापा खुद ही कन्विंस हो गए फैसिलिटीज देखकर। अच्छा आपने बताया कि आप अल्फा 3 के हॉस्टल में रहते हो, तो कुछ हॉस्टल का एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहोगे, क्योंकि एस्पिरेंट्स बहुत दूर से आते हैं, एक तो ये घर की फीलिंग नहीं मिल पाती है, रियलिटी यही ये होती है कि आप कहीं भी चले जाओ पर घर जैसी फीलिंग आपको नहीं आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम काफी टाइम तक अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं 12th क्लास तक, और 12th के बाद डायरेक्टली इतनी दूर आ जाना, सिटी क्या स्टेट चेंज हो गया, तो थोड़ा सा लगता तो है ये, कभी कभी मम्मी पापा की भी याद आती है, घर का खाना मिस करते हैं, बट हॉस्टल में कैसी फैसिलिटीज मिल रही है, क्या आपको प्रॉपर ऐसा एम्बियंस मिल रहा है जो आपकी पढ़ाई के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पढ़ाई के लिए आप यहाँ आए हो, तो वो कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो। सो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो लगता ही है ऐसा कि घर की याद आती है एंड बहुत इमोशनल फील होता है, लेकिन मेरे हॉस्टल में जो बाकी बच्चे वो भी बहुत डिफरेंट स्टेट से आए हैं एंड वो भी प्रिपरेशन के लिए आए हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने समझाया मुझे कि थोड़े बहुत टाइम फील होगा, फिर हम उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, लाइक वो दे ऑल वेर हियर फॉर मी व्हेनेवर आई नीडेड देम, तो उन्होंने प्लस मैम और सर दे आर वेरी वेलकमिंग, दे आर नथिंग लेस देन माई पेरेंट्स, तो मैम एंड सर तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया एंड जब भी कोई भी ज़रूरत होती थी, इवन लाइक खाने में भी कोई दिक्कत हो, लाइक कभी दिक्कत तो होती नहीं थी, इतना खाना एंड एटमोसफेयर एंड बच्चे सब डेडिकेटेड एंड मोटिवेटेड रहते हैं हर वक्त, सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स है वहाँ पे, तो इसलिए सब ज़्यादा बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं एंड मुझे भी बहुत ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया, तो हॉस्टल में कोई कभी दिक्कत नहीं हुई। तो हॉस्टल में मतलब पढ़ाई का पूरा माहौल अच्छे से सब मिलजुल के पढ़ाई साथ में पढ़ते हो। तो अभी आपसे एक चीज और कहना चाहूंगी कि कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स भी हैं जो अभी सोच रहे होंगे, और अभी भी बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि अरे नीट में कम मार्क्स आए हैं तो क्या MNS कर लूं या नहीं कर लूं या ड्रॉप कर दूं, तो आप उन एस्पिरेंट्स से क्या कहना चाहते हो जो अभी भी डायलेमा में है और डिसाइड नहीं कर पाए कि MNS करना है या नहीं करना है, और करना है तो कहां से कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट बेस्ट रहेगा जहां पे उन्हें पूरी गाइडेंस मिले, तो आप ऐसे एस्पिरेंट से क्या कहना चाहोगे? मैम मेरे अकॉर्डिंग तो अगर आपको एक मिलिट्री आपका एक टाइटल मिल रहा है, एक अच्छा पोस्ट मिल रहा है एंड वहाँ पे आप एज ए नर्स हो, एज ए डॉक्टर हो, जो भी हो आप एज ए, और अगर आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विस भी ज्वाइन करते हो, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा, पहले तो आपको रेस्पेक्ट मिलेगी एंड आप अपने कंट्री को सर्व कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इसीलिए अगर वो इसी सोच में है कि नहीं हमें करना चाहिए, नहीं मैं तो बोलूँगी बिल्कुल करना चाहिए, और उनको अगर यही सोच में कि कौन सा मुझे कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, कहाँ ज्वाइन करना चाहिए, इसको लेके वो सोच में है, तो सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी बेस्ट है, ये लाइक यहाँ पे आपको एटमोसफियर, गाइडेंस, टीचर्स का सब कुछ सपोर्ट, आप चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट में वीक हो, कुछ भी कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपका, अगर सब कुछ इंग्लिश स्पीकिंग इवन, और कोई भी डाउट हो सब टीचर्स क्लियर करते हैं एंड टीचर्स हमेशा सपोर्ट करते हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं, तो
बस अगर आपको ज्वाइन करना है तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस से अच्छा जॉब एक लड़की के लिए तो कुछ मुझे नहीं लगता हो सकता है, क्योंकि आफ्टर 12 तो आजकल का सिनेरियो ऐसा चल रहा है कि आफ्टर 12 आपको 4 साल की ट्रेनिंग और सारे जो एक्सपेंसेस है वो इंडियन आर्मी खुद ही बेयर करने वाली है, तो आपके पेरेंट्स से भी बर्डन हट जाएगा आपकी फर्दर स्टडीज का, और जो 4 साल बाद आप कमीशन हो जाओगे इंडियन आर्मी में वो भी एक परमानेंट जॉब है आपके लिए, तो उसमें भी आगे फर्दर ग्रोथ है आपके लिए, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं जो अवेल कर सकते हैं। बच्चों को पता नहीं होता तो उन्हें लगता है कि अरे मेरे को तो केवल एज अ लेफ्टिनेंट ज्वाइन करवा दिया जाएगा, फिर पता नहीं कितने साल की सर्विस होगी, बहुत सारी चीजें माइंड में होती हैं क्योंकि क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, बट सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी ने हमेशा अवेयरनेस ही दी है इसके बारे में, और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपना करियर बनाएं और सेटल हों अपने करियर में, एक अच्छी पोस्ट को ज्वाइन करें, देश को सर्व करें, वैसे में सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी हमेशा से अग्रसर रही है। सो थैंक यू सो मच एस्पिरेंट्स, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड उम्मीद यही है कि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे अभी तो क्लासेस में और अपनी क्लासेस रेगुलर अटेंड करेंगे, ठीक है, अच्छे से हॉस्टल में जाके घर पे जाके पढ़ाई करेंगे, नीट का एग्जाम अच्छे मार्क्स से क्रैक करना है, सिर्फ कट ऑफ क्लियर नहीं करनी है, एटलीस्ट 500 प्लस का टारगेट रखना है, राइट, और उसके बाद MNS भी क्वालिफाई करके मुझे सबकी फोटो यहाँ हॉल ऑफ फेम में देखनी है, तो मिल जाएगी फोटो, मिल जाएगी, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। तो एस्पिरेंट्स, देखा आप सभी ने कि सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के इस स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम में जिसमें हम MNS और नीट की तैयारी साथ में करा रहे हैं, बच्चों ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया और अब आप समझ गए होंगे कि क्यों हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में। तो एस्पिरेंट्स, अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी बेहतर तैयारी करें और 12th के बाद ही अपने करियर में प्रोग्रेसिव ग्रोथ करें, तो एस्पिरेंट्स आप भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे MNS प्लस नीट 2025 के बैचेस, जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड्स में आपको अवेलेबल मिलेंगे, और आपको मिलेगी हमारी MNS गाइड। ये गाइड आपको बहुत बेनिफिट देगी, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे फिर MNS की प्रिपरेशन कर रहे हो, इसको इतना कॉम्प्रिहेंसिवली रेडी किया गया है अपनी खुद के पब्लिकेशन द्वारा हमने किया है इसे, ताकि आपको जो भी कॉन्टेंट मिले वो एग्जाम ओरिएंटेड हो, पॉइंट टू पॉइंट कॉन्टेंट हो, और आपका टाइम वेस्टेज बिल्कुल भी ना हो। सो एस्पिरेंट्स, ये बुक भी आपको इसी बैच में एनरोलमेंट के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगी, सो जल्दी जल्दी एनरोल कर लीजिए, क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती हैं, और ऐसा ना हो कि आप इस मौके से रह जाएं और एक बेहतर प्रिपरेशन से चूक जाएं। तो आज ही कॉल करिए, एनरोल करिए, नंबर है हमारा 9795977776, जरूर कॉल करिए और जुड़िए एक ऐसी संस्थान के साथ जो आपको गारंटीड सिलेक्शन दिलाएगी। जय हिंद।